जय हिंद। और आज 24 तारीख जिसका सबको इंतजार था, 24 जनवरी कब आएगी और कब बादरा के घोड़े बीकानेर के सॉरी गंगानगर के माने घोड़े कब भागेंगे, वो दिन आज आ चुका है। घोड़े भाग चुके हैं और घोड़ों की जो व्यथा अंदर रही है, जो जवानों की व्यथा अंदर रही है, कैसा रहा सफर, कैसा था मैजिक स्टाफ, कितने बॉयज लिए गए, कितने बॉयज भागे, कितने ग्रुप बने, आज सारा विवरण साझा करेंगे। बहुत खास वीडियो आपके लिए क्योंकि ऐसी भर्ती मैं नहीं मानता पहले कभी देखी होगी मैंने आपसे। मैं रात के 2 बजे यहाँ पे हूँ और आज अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। सभी युवा बाहर आ चुके हैं, एकेडमी के लगभग 32 प्लस युवा पास कर चुके हैं और ये युवा भी पास होकर आए हैं। बहुत सारे युवा साथी है, अपने विद्यार्थी भी है। तो एक व्यथा कि जो यहाँ पे मैनेजिंग स्टाफ था भर्ती में कैसा रहा, इनका मेडिकल होना बाकी है, अभी लास्ट कट होनी बाकी है। तो पहले ये मेरा भाई है, क्या नाम है, सुमन, कहाँ से है, रिफाना से है भाई, ठीक है। तो असल मतलब जो आज का जो भर्ती या भर्ती पहले और बहुत सारी देखी होगी सुनी होगी, पहले भर्ती का मैनेजिंग स्टाफ कैसा था? बढ़िया सर, एक नंबर था, बढ़िया था, एक नंबर स्टाफ था, एक नंबर था, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतना शानदार स्टाफ, इतना मैनेज कर रहा है आपके लिए, हर एक चीज में कार्रवाई कर रहा है, बहुत शानदार रहा था। और दौड़ में आपका क्या रूम रहा? दौड़ में गुड में आया था सर। गुड में आए हो? 30 बंदे पकड़े थे। कितने बंदे भागे थे? बंदे 100 भागे थे, 30 पकड़े थे। चलो फिर भी बहुत बढ़िया भाई। और गुड में आए हैं, इनका मेडिकल होना बाकी है, जल्दी इनका कट ऑफ भी दोबारा आएगी और जल्दी फौजी बन जाएंगे। और भाई ये दीपी एक्सीडेंट में आया और ये अपने अकेडमी का विद्यार्थी है और इसने भी अब जाकर एक्सपीरियंस साझा कर रहा हो, अंदर क्या माहौल था, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया, एक्सीडेंट लगाने के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और जो युवा फेल हुए हैं, मेरा साधन तो है, उनको दुख तो होगा कि इतना कीमती मौका, ये वकील है, ये भी अकेडमी का विद्यार्थी है, इसने भी आज एक्सीडेंट लगाई है और इसकी खुशी जो आपके होठों पे बयान कर रही है वो आप देख ही रहे हो। ऐसा दिन लाने के लिए बंदा भागता है, मेहनत करता है कि वो फल ऐसे मेरे सामने आए कि मैं खुशी से ठिकाना रहे, वो दिन जा रहता है। और मेरे साथ में मुकेश जी कोच, जो सुबह से कई दिनों से जब से भर्ती चल रही है यहीं पर व्यवस्थित है और युवाओं को लगातार इंटरटेनमेंट मोटिवेशन करते हुए अंदर भेज रहे हैं, ग्रुप में बाहर आ रहे हैं। तो आपसे थोड़ा ज्ञान साझा करेंगे हमारे मुकेश जी कोच, आइए। तो सभी को जय हिंद। यहाँ पे 17 तारीख से लगातार बने हुए हैं क्योंकि 17 तारीख से पूरे झुंझुनू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमारे पास, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास बच्चे थे और काफ़ी बच्चों ने टेक्निकल के भी बच्चे थे और नर्सिंग के ट्रेडमैन के भी बच्चे थे। तो 17 तारीख के भी खूब बच्चे पास हुए, उसके बाद में आज 24 तारीख था जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ के सबसे ज़्यादा अपने पास बच्चे थे और पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा अपने पास ही बच्चे थे। और सर ने बोला था अभी कैसा जाएगा, तो मैंने कहा सर लास्ट में देखते हैं क्या कुछ रिकॉर्ड बनता है। और सबसे रिकॉर्ड की बात आती है तो एवरग्रीन एकेडमी के जो बच्चे थे, लगभग 17 बच्चों ने एक्सीलेंट लगाई और ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं गया जिसमें अपने एकेडमी के बच्चे ना और एक्सीलेंट ना गया हो। तो ये लास्ट ग्रुप में थे जिनमें 3 बच्चे गए थे, 3 में से 2 का एक्सीलेंट है। फर्स्ट ग्रुप में राहुल था, सेकंड में 2 बच्चे थे एक्सीलेंट के, थर्ड में थे और फोर्थ में 4 बच्चे एक्सीलेंट थे। ऐसे करके अलग अलग बैच में बच्चों को मतलब डालना पड़ता है किस हिसाब से भेजना है, क्योंकि सारे बच्चे 65 से 60 बच्चे अपने थे तो जिनमें अलग अलग भेजते हैं तभी उनका रिकॉर्ड एक परफॉर्मेंस अपने आप में दर्ज हो पाता है। और काफ़ी बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर रखी थी और यहाँ जो बच्चे थे एक निराशा भी थी, सर हमारी पहली भर्ती है, हमारा क्या होगा, कैसा रहेगा। तो हमने पहला ही देख रखा था सिस्टम भी ये होता है, तो पूरा एक्सपीरियंस हमें था भी किस बैच में कितने बच्चे कवर कर रहे हैं, किस बैच में कितने कवर करेंगे, लास्ट बैच में कितने लेंगे, तो सिखों का बैच कैसे बनेगा। तो ये जो बच्चे, इनको मैंने पहले ही बोल दिया था आप 2:30 बजे से पहले नहीं आओगे, तो इन्होंने बोला सर 2:30 बजे के बाद तो एंट्री बंद हो जाती है। मैंने बोला नहीं, आपका चाहे पहले ग्रुप में जाओ या थर्ड ग्रुप में जाओ, आपका सिखों का लास्ट बैच ही बनेगा और लास्ट बैच में आपको दौड़ना है। ये 6वें बैच में 7वें बैच में बड़े थे, इनका 8वां बैच बना था सिखों का और दोनों भाई एक्सीलेंट हैं और जितने भी भाई पास हुए हैं सबको बेस्ट विशेज है और आप जल्दी मेडिकल फिट हो और मार्च से पहले पहले जल्दी एक वर्दी में दिखाई दें। और जो भाई नहीं पास हुए, वैसे तो सारे पास हुए हैं क्योंकि अग्निवीर में यहाँ रिटर्न तक पास करके पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक पड़ाव पार किया। और सबसे बड़ी बात, अग्निवीर का सपना देखना ही बहुत बड़ी बात होती है, अब दोबारा भर्ती आने वाली है तो निराश न होएं और कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहें, मेहनत पर विश्वास रखें और जिसने जिस लेवल की मेहनत की है उसको उस लेवल का परिणाम जरूर मिलता है। तो सभी को जय हिंद, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत बधाई के पात्र है पूरी टीम और आप भी जल्दी फौजी बने। जय हिंद, जय भारत।